हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत कर बोल रही हूँ लाइफ मेस्मराइज से। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट की थी कि 8 नवंबर संडे को हम लोग फ्री टैरो रीडिंग का सेशन रखने वाले हैं, और जो भी हम लोगों को ईमेल आए हैं, ईमेल के थ्रू जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसका आंसर हमने देने की कोशिश की है फ्री रीडिंग में। और हमने चाहा था कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बट एनीवेज, जितने भी लोग आए हैं उनको वार्मली वेलकम, एंड हम लोग बहुत खुश हैं जितनों ने भी पार्टिसिपेट किया है। और ये जो टैरो रीडिंग है वो डॉक्टर मनीषा करने वाली हैं। वो मेरी कलीग भी हैं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं। शी इज़ अ मेडिकल डॉक्टर, और मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद भी उनकी स्पिरिचुअलिटी पे एक अच्छी पकड़ भी है, और वो आपको अच्छे से गाइड भी करेंगी, अच्छे से बताएंगी भी। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है मेरी इस जर्नी में, मैं चाहती हूँ कि आप डॉक्टर मनीषा को भी सपोर्ट करें। उनकी रीडिंग को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आपको ये सब ये अच्छा लगा है तो हम प्लान आउट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट मंथ हम फिर से फ्री टैरो रीडिंग लेके आएँ। सो फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और हमें अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। आपके जो सजेशंस हैं वो भी हमें दीजिएगा। एंड अब नेक्स्ट वॉइस है वो मनीषा जी की है। Hey loves, welcome to the channel of Ranjit Kaur, Life Mesmerized. I am Manisha, and today I'm gonna do intuitive tarot card reading for you guys as promised. Okay, so I have got all your questions on emails, on WhatsApp, and so without getting further delayed, let's just get started. Okay, so first question is from Jasveer. कि जसवीर को भी क्या करना चाहिए, क्या उनको स्कूल ज्वाइन कर लेनी चाहिए या उनको भी अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। ओके, आई एम जस्ट गोना पिक टू कार्ड्स, वन फॉर वर्क एंड वन फॉर फैमिली। लेट्स गेट स्टार्टेड। जसवीर, आपके लिए दोनों में हाँ आया है। ओके, आप अभी अपने वर्क पे भी ध्यान दे सकते हो और आप अपने फैमिली में भी ध्यान दे सकते हो। ओके, बट अभी मुझे आपके लिए अगर दोनों में से कोई एक चूज़ करना हो तो अभी मुझे ये लगता है कि आपको अपने फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी फैमिली में इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके, दैट इज़ द आंसर फॉर यू। बाय जसवीर, सी यू अगेन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यास्मीन का। ओके, यास्मीन का क्वेश्चन है, ओके, वेदर शी कैन कंसीव अ बेबी नाउ और नॉट। ओ एंजल्स, प्लीज गाइड मी। यास्मीन को अभी ये भी कंसीव करना चाहिए या नहीं। ओके, सो हियर आई कैन सी यास्मीन जी, आप बहुत टाइम से यू आर रियली विशिंग टू बिकम अ मदर, राइट? सो आपके लिए हाँ आया है, आप अभी कंसीव कर सकते हो। इट इज़ एक्चुअली अ गुड न्यूज़। ओके, एज सून एज यू कंसीव और यू एंड दैट बेबी कम इन द वर्ल्ड, योर लाइफ विल बी चेंज्ड फॉर श्योर। थैंक यू यास्मीन, सी यू सून। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीता सोनी। ओके, नीता सोनी जी जानना चाहती है कि उनकी मैरिज लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। ओके, नीता सोनी जी,
आपकी मैरिज लाइफ में इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही है इतनी ज़्यादा, क्योंकि आपके कुछ अभी इमोशनल वूंड्स है चाइल्डहुड से लेके, जो अभी तक हील नहीं हुए हैं, और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली दे आर रनिंग यू। ओके, लाइफ में कभी ऐसा होता है कि हम जब छोटे होते हैं और हम कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं, ऐसी महसूस करते हैं जो विच इज़ शॉकिंग एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, सो हम कुछ डिसीजन बना लेते हैं सबकॉन्शियसली, बट लेटर ऑन हमें वो चीज़ यादें नहीं रहती है। सो बट सबकॉन्शियसली दिस थिंग्स कीप्स यू गोइंग सबकॉन्शियसली। सो आपको क्या करना है, आपको अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी। ओके, आप राइट डाउन करो कि आपको क्या लगता है कि कौन से इश्यूज है और कौन से इश्यूज नहीं है, वेदर इज इट एक्चुअली योर्स और एक्चुअली आउटसाइड्स। आपको ऐसा लगता है कि वो आउटसाइड है, ये आउटसाइड वाला सेट हो जाएगा तो आई कैन बी एट पीस और तो आई कैन डू गुड, ओके, तो आई कैन इन्वेस्ट माई इमोशंस वेरी मच इन अ प्रोडक्टिव वे। सो आपको पहले बैठ के ये देखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम लगती है, और आपको साथ साथ में ये भी देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी हुई है आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में, चाइल्डहुड से लेकर अभी तक। ओके, सो उस हिसाब से आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, जो चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं लगती है, जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होती, जो इमोशंस हमारे लिए सही नहीं होते, जो हमने बचपन से पकड़ के रखे हुए, नो आई एम गोना बी दिस वे। सो समटाइम्स वो चीज़ें चेंज करने से लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। और अगर आपको फर्दर कुछ और क्वेरी से कुछ जानना है तो आप कभी भी व्हाट्सएप पे या ईमेल कर सकते हो। ओके, होप दैट दिस सेटिस्फाइज यू। Thank you, Neeta Soni. See you soon. Okay, next question. Next question is from Nancy Vadwa, and she wants to know about her brother's marriage. Okay, भाई की शादी कब होगी? Okay, राहुल वडवा जी की शादी कब होगी? I felt like picking two cards. Okay, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि राहुल जी, आप अभी भी क्लियर नहीं हो कि आपको किस टाइप का लाइफ पार्टनर चाहिए, ठीक है? सो सबसे पहले आपको जो चीज़ नहीं चाहिए वो आप किसी दूसरे इंसान में पहले मत देखो, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आप सामने वाले इंसान में पहले देखो। ओके, एंड देन यू कैन सेट योर प्रायोरिटीज़ अकॉर्डिंगली। ओके, और आपकी शादी के लिए अभी भी थोड़ा वक्त आ रहा है, और बट थिंग्स विल गेट चेंज सून। ओके, सो अभी आपका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं आ रहा है, बट दिस इज़ द मैसेज आई गॉट फॉर यू। ओके, आपकी लाइफ में टाइम चेंज होगा। ओके, और आपको जैसा चाहिए वैसा आपको पार्टनर भी मिल जाएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि आपको आपकी लाइफ पार्टनर में क्या चाहिए। ओके, लाइफ पार्टनर शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट जस्ट द सेम लाइक यू। ओके, सो वो आप देखो आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, ट्राई टू सी दोज क्वालिटीज ऑन द गर्ल्स यू आर मीटिंग और यू आर सीइंग। ओके, होप दिस हेल्प्स यू। ओके, थैंक यू नैन्सी वडवा, आई एम सॉरी। ओके, थैंक यू नैन्सी, सी यू सून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विमल। Okay, he is asking, Vimal from Gujarat, he is asking about the future of his marriage. Okay, okay.
ओके सो हियर आई एम गेटिंग द मैसेज फॉर विमल दैट विमल जी, आपको ऐसा लगता है कि यू आर बाउंड समवेयर, यू आर नॉट फीलिंग फ्री फ्रॉम यू नो फ्रॉम इनसाइड. ओके फ्रीडम. ओके देर इज़ द वन बुद्धा स्क्वाट दैट इज़ कमिंग इन टू माई माइंड दैट थिंग्स फर्स्ट हैपन्स इन द माइंड बिफोर दे हैपन इन द फिजिकल वर्ल्ड. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपकी फीलिंग्स है, ये जो आपके थाट्स है रिगार्डिंग कि यू नो आई फील बाउंडेड और आई एम नॉट आई डोंट ऐसा लगता है ना कि मैं अपने आप को क्लियरली जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ या तो सामने वाला पर्सन नहीं कर पा रहा है, बट आपकी लाइफ में भी चेंज होगा. ओके यू नीड टू वर्क ऑन योर मेंटालिटी, ऑन योर इमोशंस एंड आपको देखना है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है. ट्राई टू चेंज दोज थिंग्स एंड इफ यू कांट चेंज दोज थिंग्स जस्ट एक्सेप्ट इट. ओके हाउ दे आर. एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट की टू द चेंज. ओके सो आपके लिए ये कार्ड निकला है. ओके डोंट फील लाइक यू आर बाउंड, यू आर नॉट बाउंड, यू आर एब्सोल्युटली फ्री. फील फ्री फ्रॉम इनसाइड. ओके थैंक यू विमल, सी यू अगेन. ओके गाइस, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ. ओके सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है एंड आप 1-to-1 रीडिंग बुक करना चाहते हो तो मैसेज करो ये व्हाट्सअप नंबर पे या ईमेल पे एंड आप मिल सकते हैं एक इंट्यूटिव, मेरे जैसे इंट्यूटिव टैरोट कार्ड रीडर्स को जो आपको बताएंगे आपके फ्यूचर या आपके जो भी परेशानी है उसके जवाब. ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड अबंडेंट न्यू हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी दिवाली एंड अपकमिंग क्रिसमस ऑल्सो. तो मेरी क्रिसमस ऑल्सो. थैंक यू गाइज एंड बाय एंड थैंक यू सो मच.